Now we study the fourth method for the cooling is known as adiabatic demagnetization. Cooling from the adiabatic demagnetization. यानी कि अब हम जो फोर्थ विधि पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रुदोष्म विचुंबकन के द्वारा शीतलन कैसे किया जाता है. अभी तक हमने जितने भी मेथड पढ़े हैं, चाहे वो जूल थॉम्सन हो, चाहे वो हमारा एडियाबैटिक वाला हो, और चाहे वो हमारा अभी जो हमने पढ़ा था एंथैल्पी वाला, तो उन तीनों में क्या था, आप किसी भी गैस को आप 0.82 केल्विन से कम ठंडा नहीं कर सकते. यानी कि इस टेम्परेचर तक ही आप उन तीनों मेथड से आप किसी गैस का टेम्परेचर 0.82 केल्विन तक पहुंचा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पहुंचा सकते. यानी कि जो आपको पुनर्निवेशी शीतलन था, चाहे रुदोष्म हो, चाहे जूल थॉम्सन हो, आप इन तीनों मेथड में आप किसी भी गैस का तापमान 0.82 केल्विन से ज़्यादा नहीं पहुँचा सकते हैं. तो फिर अब क्या किया जाए, तो जो डिबाय नामक का जो साइंटिस्ट था उसने एक नया मेथड जनरेट किया और उस मेथड को उसने बोला रुदोष्म विचुंबकन. उसने ये बताया कि अगर हम किसी लवण, कोई भी आपका अनुचुंबकीय लवण है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, अगर उसको हम किसी ऐसी कंडीशन में यानी कि मैग्नेटाइज कर दें और फिर हम क्या करें एडियाबैटिक रूप से उसको डीमैग्नेटाइज करें, तो उसका टेम्परेचर हम उस लवण का टेम्परेचर कहाँ तक कर सकते हैं, 10^-3 केल्विन तक पहुँचा सकते हैं उस एलिमेंट का. आई बात समझ में, कि जो डीबाई था उस साइंटिस्ट ने ये बताया कि अगर हम कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज फील्ड के अंदर रखें और उसको मैग्नेटाइज होने दें, देन उसको आप एडियाबैटिक तरीके से डीमैग्नेटाइज करते हैं, तब आपका जो मटेरियल था उसका टेम्परेचर कहाँ तक पहुँचा सकते हो आप, 10^-3 केल्विन तक पहुँचा सकते हो. तो इस विधि का उसने इसमें प्रयोग किया. ठीक है, तो इसका सिद्धांत प्रिंसिपल क्या था, इसका प्रिंसिपल ये है कि जब भी हम किसी अणुचुंबकीय लवण को चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं, शक्तिशाली चुंबकीय फील्ड या क्षेत्र के अंदर रखते हैं, तो क्या होता है, आपका जो लवण है वो मैग्नेटाइज फील्ड की ओर क्या होता है, संरेखित होने लगता है, डैट मीन्स अलाइंड होने लगता है. जो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसके अकॉर्डिंग कैसे होता है, ऐसे अलाइंड होने लग जाता है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग जैसे अलाइंड होने लगा उसका क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा. ठीक है, अब जब हमने इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया, हटा दिया, तो वो क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड हटते ही इस अलाइनमेंट के विरुद्ध वापस उस जो अनुचुंबकीय पदार्थ है उसको वर्क डन करना पड़ेगा, उसकी इंटरनल एनर्जी में लॉस होगा, क्योंकि हम एडियाबैटिक तरीके से डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं. यानी कि बाहरी वातावरण से आप किसी तरह का कोई मेलजोल नहीं रख रहे हो, कोई भी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं कर पा रहे हो. दैट मीन्स उसको जो इस अलाइनमेंट के विरुद्ध वापस अनअलाइंड होना है, तो उसको इंटरनल एनर्जी लॉस करते हुए वर्क डन करना पड़ेगा. इंटरनल एनर्जी उसकी क्या हुई, डिक्रीज हुई, दैट मीन्स उसका टेम्परेचर भी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ. उस वजह से हमारा जो मटेरियल था वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है, और ठंडा भी कितना होता है, 10^-3 केल्विन तक ठंडा हो जाता है. ठीक है, ये इसका क्या था, प्रिंसिपल था. नेक्स्ट हम इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं. ये इसका कंस्ट्रक्शन है, देखिए इसमें एक टी शेप वाली एक ट्यूब होती है, नली होती है, जिसका एक सिरा आपका किससे जुड़ा हुआ होता है, लिक्विड हीलियम, द्रव हीलियम से जुड़ा होता है. नेक्स्ट इसका सेकंड पोर्शन जो होता है वो आपके वैक्यूम पंप से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि आपका निर्वात पंप से इसको जोड़ दिया जाता है. ठीक है, अब इस टी शेप वाली एक इसका जो दूसरा सिरा, यानी कि ये वाला सिरा एक बोतल से कनेक्टेड होता है, एक बोतल से जुड़ी होती है जो ए बोतल कहलाती है. उसके अंदर हम एक लवण, अनुचुंबकीय लवण ही रखा जाता है. उस अनुचुंबकीय लवण का नाम होता है गैडोलिनियम सल्फेट. क्या नाम है इसका, गैडोलिनियम सल्फेट.
ये आपका अणुचुंबकीय लवण होता है। इस बॉटल को हम एक दूसरे फ्लास्क के अंदर, और उस फ्लास्क में क्या भरी हुई है आपके द्रव हीलियम भरी हुई है, उसके अंदर उसको पुट कर देते हैं, उसके अंदर उसको रख देते हैं। फिर ये पूरा का पूरा जो फ्लास्क है उसको हमने फिर वापस एक दूसरी बॉटल के अंदर पुट कर दिया, उसके अंदर उसको डुबो दिया। और वो बॉटल किससे डूबी हुई है, किससे भरी हुई है, लिक्विड H2 से भरी हुई होती है। यानी कि एक बॉटल किसके अंदर है, लिक्विड हीलियम के अंदर, और लिक्विड हीलियम और बॉटल दोनों किसके दूसरे किस फ्लास्क के अंदर है, जिसके अंदर आपका लिक्विड हाइड्रो H2 भरी हुई है। पूरा ये हॉल फिर जो ये फ्लास्क है वो दो शक्तिशाली चुंबक के बीच में हमने उसको रखा हुआ है, N और S के मध्य हमने उन दोनों बॉटल्स को रखा। इस पूरे जो हमारा डिवाइस है या पूरा हॉल जो हमारी ये बॉटल है उसको हमने किसके अंदर रख दिया, आपके किसके अंदर इसको सिचुएटेड कर दिया, आपके शक्तिशाली चुंबक के बीच में इसको रख दिया। ठीक है, तो ये इसका क्या है, कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट अब हम इसका क्या पढ़ेंगे, कार्यप्रणाली क्या होती है। अब इसका वर्किंग क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ट्यूब के मदद से लिक्विड हीलियम को इस बॉटल के यहाँ पर भेज देते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, और गैडोनियम सल्फेट को इस बॉटल के अंदर रखते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, आपका जो मैग्नेटाइज फील्ड उसको रख देते हैं, यानी कि एन और एस दोनों आपके जो पोल्स हैं उसको इसके अंदर यहाँ पे सिचुएटेड कर देते हैं। ठीक, अब आपके क्या होगा, आपके जैसे ही इसके गैडोनियम सल्फेट के परमाणु क्या होते हैं, मैग्नेटाइज फील्ड के अकॉर्डिंग संरेखित होते हैं, अलाइनमेंट होने लगते हैं उसके एटम्स, तो उसमें क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी कि हीट आपके इमिट होने लगती है। उस हीट को आप क्या करते हैं, ये जो आपका लिक्विड हीलियम है वो अवशोषित कर लेती है। ठीक है, यहाँ पर जो लिक्विड हीलियम का काम ही क्या, जो ये गैडोनियम सल्फेट जो आपका हीट इमिट कर रहा है उसको एब्जॉर्ब करने का काम लिक्विड हीलियम कर रही है। जैसे लिक्विड हीलियम उस हीट को एब्जॉर्ब करती है, क्या किस रूप में बन जाती है, आपके भाप रूप में बन जाती है। भाप और इस लिक्विड हीलियम को हम वापस क्या करते हैं, वैक्यूम पंप के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। फिर वापस से हम क्या करते हैं, लिक्विड हीलियम को इस बॉटल के अंदर वापस फिल करते हैं। अब ये प्रोसेस हम तब तक करते रहते हैं जब तक कि हमारा गैडोनियम सल्फेट और आपका लिक्विड हीलियम दोनों का टेम्परेचर क्या हो, इक्विवेलेंट नहीं हो जाए। क्योंकि गैडोनियम सल्फेट बार बार ऊष्मा का उत्सर्जन कर रहा है, तो एक समय ऐसा आएगा कि उसका टेम्परेचर डाउन ही होता हुआ चलेगा। ठीक है, और इस समय एक समय ऐसा आएगा कि दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, इक्विवेलेंट आ जाएगा, कि हाँ बराबर है। वो एक तो वाटर ले लिया आपने एक तरीके से, और एक आपने लवण लिया, तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि इतना ऊष्मा उसने उत्सर्जित कर दी कि उस वाटर और उसका लवण दोनों का टेम्परेचर क्या हो, इक्विवेलेंट आ जाए। जैसे ही इन दोनों का टेम्परेचर आपका इक्विवेलेंट आता है, उसी समय हम क्या करते हैं, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड था उसको हम क्या करते हैं, उसी समय हटा देते हैं। जैसे ही हमने हटाया, एक तो ऑलरेडी उसका टेम्परेचर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया लिक्विड हीलियम के जैसे हो गया, एंड नेक्स्ट हमने उसी समय उसके मैग्नेटिक फील्ड को भी हटा दिया। किस रूप में, एडियाबेटिक रूप के रूप के फॉर्म में। जैसे ही एडियाबेटिक रूप में हमने मैग्नेटाइज फील्ड को हटाया, तो उसके जो परमाणु होंगे वो क्या होंगे, अनअलाइंड होने लगेंगे। तो उसकी इंटरनल एनर्जी को यूज़ करेगा, वर्क डन जो करना पड़ेगा उसको, उसकी आंतरिक ऊर्जा को लॉस करते हुए उसको कार्य करना पड़ेगा। तो ये जो आंतरिक ऊर्जा में जो लॉस होगा उससे उसके तापमान में क्या होगी, और कमी आने लग जाएगी, और वो टेम्परेचर कहाँ तक, इससे कम या इससे ज़्यादा पहुँचने लग जाएगा। तो हमें सॉलिड स्टेट में कोई चीज़ मिलने लग जाएगी। तो यही आपका क्या है, पुनर्दोषण विचुंबकन के द्वारा शीतलन की कार्य प्रणाली है। ओके, क्या करते हैं हम करते हैं सबसे पहले लिक्विड हीलियम को और इस बॉटल ए में डालते हैं, गैडोनियम सल्फेट बॉटल में ऑलरेडी है, देन हमने
हाईली मैग्नेटाइज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लगाया, जिससे क्या होगा आपका जो गैडोनियम सल्फेट के जो जो आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो उसके जो परमाणु है वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ अलाइन होने की कोशिश करते हैं। अलाइन होंगे तो उसके टेम्परेचर में क्या होगा, वृद्धि होगी, यानी कि वो ऊष्मा का उत्सर्जन करने लगेगा। उस ऊष्मा का जो उत्सर्जन हो रहा है वो लिक्विड हीलियम एब्जॉर्ब करके भाप में बदल जाती है और उसको हम वैक्यूम पंप की मदद से बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट हम ये प्रोसेस बार बार करते रहते हैं, जब तक, कब तक, जब तक कि हमारा गैडोनियम सल्फेट और आपका लिक्विड हीलियम दोनों का टेम्परेचर इक्विवेलेंट नहीं हो जाए। उसको हम किससे नाप लेते हैं, यहाँ पर एक तापमापी कुंडली लगा देते हैं इसके यहाँ तल पे, जो कि हमें टेम्परेचर बता देती है कि दोनों का इक्विवेलेंट टेम्परेचर आ चुका है। उसी समय हम क्या करते हैं, हमारा जो हाईली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम हटा देते हैं। जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड को हटाया, आपका जो गैडोनियम सल्फेट के जो परमाणु हैं वो अनअलाइंड होने लगते हैं, संरेखित नहीं होते हैं, अब क्या होते हैं, बिखरने लग जाते हैं। तो उसको अपनी आंतरिक ऊर्जा को लॉस करते हुए उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिससे उसके तापमान में और कमी आ जाती है और हमें हमारे जो हमें जो हमारा टेम्परेचर चाहिए होता है ठंडा करने के लिए उतना टेम्परेचर हमें मिल जाता है। ये इसकी कार्य प्रणाली। अब नेक्स्ट हम क्यूरी जो चीज क्यूरी जो था उसने बताया था कि एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, यानी कि क्यूरी के रूप में सी बाय टी, इस रूप में हमने इसको क्या करेंगे, इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसका गणितीय विश्लेषण पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हम उसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, गणितीय विश्लेषण। तो उसके लिए हमको मैक्सवेल का इक्वेशन भी यूज़ करनी पड़ेगी। हम ये सभी जानते हैं कि आपका क्या हुआ था इसके अंदर, कि जब हम किसी भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं और फिर हमने उसी मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया तो उसको क्या करना पड़ा, कार्य करना पड़ा। ठीक है ना, तो वो जो कार्य होगा यानी कि जो dW होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ BdI। ठीक है, कि जब भी हमने किसी भी अनुचुंबकीय पदार्थ को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा, और जब हमने चुंबकीय क्षेत्र को, इसमें भी ये हुआ था कि चुंबकीय क्षेत्र को हमने हटाया तो उस लवण को क्या करना पड़ा था, कार्य करना पड़ा था किसके अंतर्गत, मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत। तो चुंबकीय क्षेत्र में अणुचुंबकीय लवण में जब हम चुंबकीय क्षेत्र को आरोपित करते हैं तो उसमें चुंबकन तीव्रता बी आई के प्रोपोर्शनल होती है, आपकी चुंबकन तीव्रता यानी कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी उसके प्रोपोर्शनल। तो dW इज इक्वल टू जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ BdI। ठीक है, बट थर्मोडायनामिक का लो क्या कहलाता है, थर्मोडायनामिक के लो से लेकिन हमें यह पता चलता है कि dW आपके किसके बराबर है, PdV के बराबर होता है। ठीक है, ये तो हमने किसके लिए बात करी थी, चुंबकीय क्षेत्र के लिए बात करी थी, लेकिन ये बात हम किसके लिए कर रहे हैं, ऊष्मा गति के नियम से। तो दोनों है तो एक ही, वर्क डन तो हो ही रहा है। तो अभी हम, क्योंकि हम बात ही चुंबक क्षेत्र की करें, चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, इसलिए पी किसके बराबर है, माइनस ऑफ बी के, और आई किसके बराबर है, या आप कह सकते हो वी के बराबर है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि आपके पास में पी तो माइनस बी और आई वी के बराबर हो जाता है। अब हम मैक्सवेल का फर्स्ट लॉ यूज करेंगे। ठीक है, तो वी आई के बराबर, ये आपकी फर्स्ट नंबर इक्वेशन। अब मैक्सवेल का, फ्रॉम मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन क्या है, डेल टी डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी डेल वी डेल एस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये आपकी मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन थी। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी आपके वी है वो आई और पी जो है वो पी से रिप्लेस कर देंगे, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगाएंगे, डेल टी बाय डेल पी डेल वी, यहाँ पे एंट्रोपी डेल एस इज इक्वल टू क्या होता है, डेल क्यू बाय टी, तो यहाँ क्या हो जाएगा टी, यहाँ हो जाएगा डेल क्यू एट
कांस्टेंट प्रेशर। अब क्या हो गया आपके पास में, यहाँ उसका लो लगा दिया हमने। अब लो लगाने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन, अब आप क्या कर सकते हो, इसको इंटरचेंज कर दो। टी पी की जगह हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, और बी की जगह हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। तो डेल टी बाय डेल पी की जगह बी एट माइनस आएगा एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी, और टी वी की जगह आई डेल आई बाय डेल क्यू एट कॉन्स्टेंट ऑफ पी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एट कॉन्स्टेंट पी की जगह भी हमें क्या लिखना है, बी लिखना है। आगे बात समझ में। अब हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे टी और टी से। ठीक है, तो माइनस ऑफ डेल टी बाय डेल बी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी टी डेल आई बाय डेल टी और डेल क्यू बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट ऑफ बी। ठीक है, डेल क्यू बाय डेल टी स्पेसिफिक हीट बनी है एक तरीके से ये। ठीक है, तो माइनस ऑफ डेल टी बाय डेल बी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी टी डेल आई बाय डेल टी और इसको हम बोलेंगे डी सी बी। बी क्या है, घनत्व है, डेंसिटी फोर यूनिट वॉल्यूम के लिए। डी क्या है, यहाँ पे आपकी डेंसिटी है, घनत्व है फोर एकांक आयतन के लिए यूनिट वॉल्यूम के लिए। ठीक है, अब हमें इसका मान ज्ञात करना है, हमारे पास में ये मान नहीं है। ठीक है, अब इस मान को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूरी का नियम लगाएंगे। सी के एक्स इज इक्वल टू या जाई इज इक्वल टू सी बाय टी होता है। ठीक है, और एक जाई हम जानते हैं क्या होता है, आपकी इंटेंसिटी बाय आई बाय एच होता है, म्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी के फॉर्म में आपकी इक्वेशन आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर की इक्वेशन तो आपकी ये हो ही गई। ठीक है, टी डेल आई बाय डेल टी, और ये क्या हो गई आपके पास में, ये इसको लिख दो आप थर्ड नंबर की इक्वेशन। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं फ्रॉम द क्यूरीज लॉ, क्यूरी के नियम के अनुसार, क्यूरीज लॉ क्या होता है, जाई इज इक्वल टू सी बाय टी, ये तो हम जानते हैं, इसको कर दो फोर्थ नंबर की इक्वेशन। और एक हम मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से जाई क्या जानते हैं, वो होता है आपका आई बाय एच, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बाय मैग्नेटाइज्ड फील्ड। ठीक है, क्या होती है, मैग्नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग और मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। तो हम इसको क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे, म्यू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, तो आई बाय एच म्यू अपॉन म्यू। ठीक है, तो आई म्यू तो यूं का यूं रहेगा आई म्यू, और ये क्या बन गया आपका आई म्यू एच म्यू। एच म्यू क्या होता है आपका, बी इज इक्वल टू होता है म्यू एच, आता है आपको ये बी इज इक्वल टू क्या होता है म्यू एच, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, आई म्यू नोट बाय बी के रूप में आपकी क्या इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब ये आपकी है फोर्थ फिफ्थ। तो जाई एक आपके पास में ये चीज़ है और एक आपके पास में ये चीज़ है, तो आप क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे फोर एंड फिफ्थ, तो क्या हो जाएगा आपका सी बाय टी आई म्यू बाय बी। ठीक है, आगे आपके पास सी बाई टी इज इक्वल टू आई म्यू बाय बी। अब हम क्या करेंगे, इसमें आई को लिखना, आई के मान चाहिए हमारे पास में, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी बी बाय म्यू टी। ठीक है, अब क्या किया जाए, हमारे पास में हमें क्या चाहिए, डी आई बाय डी टी की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे थर्ड में डी आई बाई डी टी, यानी कि हम अब इसको क्या करें, डिफ्रेंशिएट करें डी आई बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट ऑफ बी के रूप में, टी के रेस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट करो, इसको डेल आई बाई डेल टी
एट कॉन्स्टेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फिर क्या हो जाएगा, सी बी तो यूं का है म्यू टी के रेस्पेक्ट में इसको करेंगे तो 1 माइनस ऑफ डिवाइडेड 1 अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इस वैल्यू को कहाँ रख देंगे, ये जो हमारी सिक्स नंबर की इक्वेशन है उसको हम रखेंगे, पुट सिक्स इन थर्ड, ठीक है, तो माइनस ऑफ डेल टी बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू टी यू का यू, और बाकी ये चीज़ रखेंगे हम सी बी म्यू नोट माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना था आपके पास में डी सी बी, एक टी से एक टी कैंसिल आउट हो गया तो क्या बच गया आपके पास में सी बी म्यू नोड वन अपॉन टी डी सी बी, किसका मान है ये, माइनस ऑफ डेल टी बाय डेल बी का मान है एट कॉन्स्टेंट ऑफ एंट्रोपी के रूप में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हमें इसको फुल हमें इसका मान पूरा चाहिए, तो ये तो आया तो डेल टी बाय डेल बी के रूप में, जब हमें हाफ पार्ट पता हो तो पूरा करना हो तो हम क्या करते हैं, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। और इसके पहले हम क्या कर सकते हैं, हम इसको बहुत बड़ा दिख रहा है हमें तो हम इसको एक कॉन्स्टेंट के रूप में मान लेंगे, कॉन्स्टेंट यानी कि सी बी म्यू नोट और जो डी है उसको हम ए के रूप में मान लेते हैं, तो डेल टी बाय डेल बी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी सी म्यू और डी, इसको हम क्या मान लेते हैं, एक कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, माइनस माइनस वैसे ही इसका कैंसिल आउट हो गया तो बी ए बी और टी सी बी आ गया आपके पास, वेयर ए क्या है आपके पास में, ए इज इक्वल टू आपके पास में है सी म्यू नोड डी, ठीक है, वेयर ए इज इक्वल टू क्या है आपके पास में सी म्यू नोट बाय डी। अब हम इसको हमारे पास में इसको हम इंटीग्रेट को इंटीग्रेट कर लेंगे अब इसको, तो हमारे पास में टी का मान पूरा आ जाएगा। टी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टी डेल टी जो हमारे पास में है इसको उधर शिफ्ट कर देंगे, टी डेल टी बाय डेल बी कॉन्स्टेंट एंट्रोपी और ए बी बाय सी बी, ठीक है, ये आपकी क्या आई इक्वेशन, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना है हमें, तो क्या करेंगे, कहाँ से कहाँ तक हमारा टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, टी वन से था इनिशियल और लास्ट टी टू तक था, तो टी डेल टी, ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए अपॉन सी बी को तो बाहर ही निकाल देते हैं, और आपका मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बी था पहले, बाद में कितना हो गया जीरो हो गया, और क्या हो जाएगा बी डेल बी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा टी, क्या हो जाएगा टी डेल टी का टी स्क्वायर बाय टू, तो टी स्क्वायर बाय टू और ए ये आ जाएगा टी वन से टी टू तक, ए अपॉन सी बी और ये भी क्या आ जाएगा बी स्क्वायर बाय टू बी से जीरो के बीच, यहाँ हम इसको पुट कर देंगे टी टू का स्क्वायर माइनस ऑफ टी वन का स्क्वायर बाय टू और यहाँ आ जाएगा ए अपॉन सी बी, पहले जीरो रखेंगे तो माइनस आ जाएगा बी टू का स्क्वायर बाय टू, ठीक है, ये आपका क्या आया टी वन टी टू का मान आ गया। हमें निकालना है किसका, ओनली टी वन टी टू का मान निकालना है, तो अब हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, ये हाफ से हाफ चाहे तो आप कैंसिल आउट कर दो, टी टू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में टी वन का स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी का स्क्वायर बाय सी बी, ठीक है, तो टी टू क्या आ जाएगा आपके पास में
T2 क्या बना आपके पास में, आपके पास में बनेगा T2 इज इक्वल टू T1 वन माइनस ऑफ दिस वन, ठीक है। तो आपके क्या आंसर आएगा, T2 इज इक्वल टू नेक्स्ट, अगर हम इसमें से कॉमन ले लें T1 का स्क्वायर तो यहाँ क्या बनेगा, 1 माइनस ऑफ ए बी स्क्वायर बाय सी बी, T1 का भी स्क्वायर, ठीक है। तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 1 माइनस ऑफ ए बी T1 का स्क्वायर सी बी और उसका पावर हाफ, ठीक है। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, हमारा जो फाइनल टेम्परेचर है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी लवण का, हम जो नेक्स्ट हमारा जो फाइनल टेम्परेचर है वो इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस से भी आ सकता है ये, ठीक है। तो इससे न्यूमेरिकल भी बनता है तो आपको ये याद रखना है। तो ये इसका क्या है, हमारे जो हमने ये पढ़ा था रुदोष विचुंबकन के द्वारा शीतलन, उसका मैथमेटिकल एनालिसिस, आ गए आपको समझ में। अब आपके ये सारे जो शीतलन की जो चार विधियां हैं वो आपके जो कोर्स में हैं वो सारी कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट हम द्रव हीलियम लिक्विड हीलियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।